Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is explanation of the poem The Height of the Ridiculous. तो इस पोएम के पोएट है ओलिवर वेंडल होम्स, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इंसान का स्वभाव ऐसा है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं उसे दिखती है जो उसे बहुत ज्यादा फनी लगती है, तब वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और बहुत दिल से हंसता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को रिडिकुलस कहा जाता है, जिसका मतलब वो बहुत ज्यादा फनी, हंसाने वाली रहती है। तो पोएम का टाइटल है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। तो हाइट का मतलब है किसी चीज की चरम सीमा, और रिडिकुलस का मतलब है सो फनी, जब कोई चीज बहुत हंसाती है। मतलब पोएम में कुछ ऐसा बताया गया है कि जो हास्यास्पद होने के चरम सीमा तक दिखाया गया है। तो देखते हैं इस पोएम में ऐसा क्या दिखाया गया है। So let's see first stanza. I wrote some lines once on a time in wondrous merry mood, and thought as usual men would say they were exceeding good. First difficult words ke meaning dekhte. Wondrous means delightful, jo anandit karta hai. Merry means happy. Exceeding means excessive, matlab atyadhik, bahut zyada. To poet poem ki shuruaat unke jeevan mein ghatit hui ek ghatna se karta hai. I wrote some lines once on a time in wondrous merry mood. जहाँ पे वह बताते हैं कि जब उन्होंने बहुत आनंदित होके खुशी से कुछ लाइंस, पंक्तियाँ लिखी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी काम को बहुत अच्छी मूड में खुशी से करते तो वह काम बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और जैसे ही वह पंक्तियाँ, लाइंस लिख के हो गई, एंड थॉट एज यूजुअल मैन वुड से देवर एक्सीडिंग गुड, तो वह सोचने लगे कि हमेशा की तरह रीडर्स फिर एक बार कहेंगे कि उन्होंने जो पोएम लिखी है, जो लाइंस लिखी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इससे मतलब यही निकलता है कि उन्हें हमेशा से अच्छा लिखने की आदत है और उनके रीडर्स भी हमेशा उनकी तारीफ करते होंगे। तो देखते हैं कि वे लाइंस कितनी अच्छी है। सेकेंड स्टांजा, दे वर सो क्वियर, सो वेरी क्वियर, आई लाफ्ड एज आई वुड डाई, एल्बिट इन द जनरल वे अ सोबर मैन एम आई। तो यहाँ पे भी पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। क्वियर का मतलब है स्ट्रेंज, बट यहाँ पे हम लेंगे फनी, मतलब अजीब, अनोखी, हंसाने वाली। अल्बिट मीन्स दो, हालांकि। सोबर मीन्स क्लियर हेडेड, सीरियस, मतलब जो गंभीर रहता है ऐसा। तो पोएट उन लाइंस के बारे में हमें बताता है, दे वर सो क्वियर, सो वेरी क्वियर, आई लाफ्ड एज आई वुड डाई। वे लाइंस बहुत अजीब थी, बहुत ज्यादा अनोखी थी, फनी थी, जिन्हें देखने के बाद पोएट खुद हंसने लगा और कहने लगा कि उन्हें पढ़ के मैं इतना हंसा कि शायद मैं मर जाता। तो यहाँ पे पोएट वो लाइंस कितनी फनी थी यह बताने की कोशिश कर रहा है। पर अगली लाइंस हमें पोएट के एक अलग रूप को दर्शाती है। एल्बिट इन द जनरल वे अ सोबर मैन एम आई। पोएट कहते हैं कि हालांकि अगर देखा जाए तो मैं एक सीधा गंभीर इंसान हूँ, मतलब कोई हंसी मजाक करने वाला इंसान नहीं। तो इसका मतलब है पोएट एक गंभीर इंसान है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या गंभीर इंसान इतनी फनी लाइंस लिख सकता है? तो हाँ, शायद लिख भी सकता है, क्योंकि वह काम उन्होंने बहुत दिल से किया था। तो देखते हैं क्या वह सच में गंभीर इंसान है, और अगर है तो क्या इस गंभीर इंसान ने लिखी हुई लाइन सच में इतनी फनी है। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम, हाउ काइंड इट वॉज हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइट लिम। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते। टू माइंड का मतलब है पे अटेंशन, ध्यान देना। स्लेंडर का मतलब है थीन और लीन, जिसे हम दुबला पतला कहते हैं। माइट लिम का मतलब है पावरफुल मैन, एक शक्तिशाली इंसान, हट्टा कट्टा इंसान। तो पोएट आगे बताते हैं कि आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम, कि मैंने मेरे नौकर को बुलाया और वह आ गया। तो एक नॉर्मल घटना है, अगर हम हमारे नौकर को बुलाएंगे तो वो डेफिनेटली आएगा। पर यहाँ पे पोएट इस घटना को अलग रूप से देखकर हमें बताते, हाउ काइंड इट वॉज हिम टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइट लिम। वह नौकर कितना दयालु है, मेहरबान है, क्योंकि वह एक हट्टा कट्टा शक्तिशाली इंसान होने के बावजूद मेरे जैसे दुबले पतले इंसान की तरफ ध्यान देता है, मेरी बातें सुनता है, आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ पे पोएट एक दुबला पतला और उनका नौकर एक हट्टा कट्टा इंसान है, यह बात पता चलती है। और साथ ही साथ एक हट्टा कट्टा इंसान एक दुबले पतले इंसान की बात सुनता है, यह बात पोएट को अजीब लग रही है, इसके लिए वह उसकी तारीफ कर रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा में क्या होता है।
this to the printer, I exclaimed, and in my humorous way, I added as a trifling jest, there will be the devil to pay. Meanings dekhte, printer, a person whose job or business in commercial printing. मतलब छपाई का व्यवसाय करने वाला इंसान. Humorous way means a funny way, हसाने वाली शैली में. Trifling jest means a small simple joke of no importance. Means a normal joke. There will be devil to pay. Means serious trouble resulting from some action. किसी कृति से उत्पन्न होने वाली गंभीर मुसीबत. देखते यहाँ पे पोएट क्या कहता है. This to the printer, I exclaimed. तो यहाँ पे पोएट उस नौकर को उन्होंने लिखी हुई जो पोएम है, जो लाइन्स है, उनको प्रिंटर के पास लेके जाने के लिए कहता है. मतलब उन लाइन्स की और भी कॉपीज शायद उन्हें चाहिए. एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट. और पोएट अपनी हंसाने वाली शैली में एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट मतलब एक ऐसा मजाक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, जिसे हम पकाऊ जोक पीजे कहते. तो इस तरह एक नॉर्मल जोक करते हुए उन्होंने अपने नौकर से कुछ कहा. तो इसका और एक मतलब निकलता है कि पोएट अब अपने आप को थोड़ा सा ह्यूमरस बनाने की कोशिश कर रहा है. तो देखते हैं पोएट ने क्या कहा. देयर विल बी द डेविल टू पे. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि इन पंक्तियों से मतलब इस पोएम से बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है. तो देखते हैं ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है अगले स्टांजा में. ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन. एट फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन. मीनिंग्स देखते पीप मीन्स लुक मतलब झांकना. ग्रीन मीन्स स्माइल मतलब मुस्कान मुस्कुराना. तो जाहिर सी बात है कि अगर वो नौकर पढ़ना लिखना जानता है तो वह उन लाइंस को पढ़ेगा. ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड एंड सॉ हिम पीप विद इन. तो उस नौकर ने पोएट से वो पेपर लिया जिसमें वो पंक्तियां लिखी थी और वो प्रिंट करने के लिए निकला होगा. तभी पोएट ने देखा कि वह नौकर जाते जाते उस पेपर को देखने लगा कि ऐसा क्या लिखा है इसमें जिससे इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है. तो पोएट आगे कहता है एट फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन. कि शायद उसने पहली लाइन पढ़ी और तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आई. तो पहले लाइन को रीड करने के बाद वो तुरंत मुस्कुराया. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वे लाइन्स शायद फनी हो सकती है. तो देखते हैं क्या वह नौकर और लाइंस पढ़ता है और उन्हें पढ़ने के बाद उसकी क्या हालत होती. नेक्स्ट स्टांजा ही रेड द नेक्स्ट एंड ग्रीन ग्रू ब्रॉड एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ही रेड द थर्ड अ चकलिंग नॉइज आई नाउ बिगेन टू हियर. डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट. शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर मीन्स टू स्माइल वेरी वाइड मतलब मुस्कान का बढ़ना. चकलिंग मीन्स लाफ क्वाइटली मतलब हंसना लेकिन मुंह दबाकर हंसना. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि ही रेड द नेक्स्ट एंड ग्रीन ग्रू ब्रॉड एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो उसने अगली लाइन पढ़ी और उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई. जो उसके चेहरे पे नजर आ रही थी कि अब उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो रही थी. तो देखते और आगे क्या हुआ. ही रेड द थर्ड अ चकलिंग नॉइज आई नाउ बिगेन टू हियर. तो पोएट कहता है कि जब उसने तीसरी लाइन पढ़ी तो इस बार वह मुंह दबाकर हंसने लगा और उसकी वह हंसने की आवाज अब पोएट को सुनाई दे रही थी. तो इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि पोएट ने जिस तरह शुरुआत में उन लाइंस की तारीफ की थी वे लाइंस वैसी फनी है ऐसा लग रहा है. तो देखते हैं अगली लाइंस में नौकर के किस तरह रिएक्शंस आते हैं. नेक्स्ट स्टांजा द फोर्थ ही ब्रोक इनटू रोर द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट द सिक्स्थ ही बर्स्ट फाइव बटन्स एंड टंबल्ड इन अ फिट. मीनिंग्स फर्स्ट Roar means utter, a full deep cry or laugh. जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जोर जोर से हंसना. Split means divided, विभाजित होना. Tumbled means fell, गिरना. Fit means a sudden short period of uncontrollable laughter with coughing. मतलब एक अनियंत्रित हंसी जिसके साथ लोग खांसते भी. तो पोएट अपने नौकर के बारे में आगे बताते हैं. The fourth, he broke into roar. कि जब उसने चौथी लाइन पढ़ी तो अब वो खिल खिलाकर हंसने लगा. मतलब अब उसकी हंसने की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो ये लाइंस एक्चुअली कितनी फनी है ये आगे पता चलता है. द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट. जब उसने पांचवी लाइन पढ़ी तो वो हंस हंस के उसके कमर का पट्टा ही टूट गया. बाप रे इतनी फनी लाइंस उसने लिखी थी. तो देखते आगे और क्या है. द सिक्स ही बर्स्ट फाइव बटन्स एंड टंबल्ड इन अ फिट.
तो पोइट कहता है कि जब उसने 6th लाइन पढ़ी तो वो इतना हंसने लगा कि उसके शर्ट के 5 बटन टूट गए और वो अपने आप को और अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और नीचे गिर के हंसने लगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोइट ने जो भी पोएम लिखी थी वो 6 लाइन की थी और सच में वे लाइन्स बहुत ज्यादा फनी थी, रिडिकुलस थी। और इस स्टांजा तक रिडिकुलस को मतलब कोई चीज कितनी हास्यास्पद हो सकती है उसकी हाइट को भी दर्शाने की कोशिश की गई। तो देखते हैं नौकर के इस रिएक्शन का हमारे पोएट के ऊपर क्या असर होता है। लास्ट स्टांजा, 10 डेज एंड नाइट्स विद स्लीपलेस आई आई वॉच दैट रिच मैन एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन। डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट, स्लीपलेस आई मीन्स विदाउट स्लीप, बिना सोए। रेचेड यहाँ पे इसका मतलब अलग है, इन अ हेल्पलेस कंडीशन मीन्स मजबूरी में या फिर बेबसी में। डेयर टू मीन्स शो और टेक करेज, मतलब हिम्मत करना। तो एट लास्ट पोएट कहता है कि 10 डेज एंड नाइट्स विद अ स्लीपलेस आई आई वॉच दैट रिच मैन, कि 10 दिन और रात तक मैं बिना सोए उस नौकर को बेबसी के हालत में देख रहा था, जो नौकर खुद के ऊपर नियंत्रण ना रखते हुए हंस रहा था। मतलब कुछ दिनों तक वह नौकर खुद के ऊपर कंट्रोल किए बिना हंस रहा होगा, या फिर पोएट को उस दिन का नजारा या फिर दृश्य 10 दिनों और रात तक अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो यह एक ओवर स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 10 दिन और रात सोया नहीं होगा। तो पोएट उस घटना का उसके ऊपर कितना प्रभाव हुआ है यह इन लाइन में दिखा रहा है। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, और उस दिन से पोएट ने कभी भी थोड़ा भी फनी लिखने की हिम्मत नहीं की जितना वह लिख सकता है। तो पोएट ने सोचा होगा अगर उन 6 लाइंस को पढ़ने से उनके सर्वेंट की कंडीशन अगर ऐसी हुई है तो बाकी लोग जब इसे रीड करेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। इसलिए पोएट ने फिर से कभी भी फनी पोएम्स लिखने के बारे में नहीं सोचा। वैसे तो यह पोएम वे लाइंस कितनी फनी थी यह बताती, लेकिन वे लाइंस कौन सी थी यह हमें बताया नहीं गया। तो शायद पोएट ने सोचा होगा कि हमारी कंडीशन भी वैसी ना हो, इसके लिए उन्हें वो लाइंस नहीं बताए तो ही बेटर है। तो देखते हैं इस पोएम के पोएट के बारे में। पोएट है ओलिवर वेंडल होम्स, तो जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1809 यूएस में और डेथ हुई 7 अक्टूबर 1894 यूएस में ही। तो वो एक अमेरिकन फिजिशियन थे, पोएट थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे और साथ में ऑथर भी थे। तो वह 19वीं शताब्दी के ग्रुप फायरसाइड पोएट्स के, जो अमेरिका के पोएट्स के साथ साथ न्यू इंग्लैंड के पोएट्स ने बनाया हुआ ग्रुप था, उसके मेंबर भी थे। उनके सबसे मशहूर कामों में द ब्रेकफास्ट टेबल की जो सीरीज है वो एक बहुत बढ़िया काम है, जिसकी शुरुआत उन्होंने द ऑटोक्राफ्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट टेबल से की थी। तो वह एक महत्वपूर्ण मेडिकल रिफॉर्मर भी थे, तो उन्होंने ओल्ड आयरन साइड्स नाम की एक बहुत मशहूर पोएम भी लिखी। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। कीप स्टडिंग, बाय बाय।